हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो दुबई हियर। आज मैं एक प्लांट लेकर आई हूँ, उसका नाम है रेड लालसा, नॉट थालसा और अल्टरनेत्रा भी बोलते हैं। ये जो आपके गार्डनिंग में जो हेज के रूप में यूज़ होता है, सनलाइट में इसका कलर एकदम पता नहीं ब्लैक ऐसा दिख रहा है, बट एकदम रेड शेड में है, डार्क रेड समथिंग, मैरून जैसा। तो फिर अपन इसको लगाएंगे नॉर्मल सॉइल और नॉर्मल पॉट में, क्योंकि मैं इसकी कहीं से प्लांट लेकर आई थी, तो फिर खाली पॉट पड़ा है एज यूजुअल, उसमें लगाते हैं। ये खाली पॉट पड़ा है मेरे पास, इसकी मिट्टी एकदम गीली गीली है, क्योंकि इसमें मैं इसमें थोड़ी सी जगह बनाऊंगी। ऐसे इसमें जगह बना देते हैं। तो कचरा भी बहुत सारा हो गया आज। मैंने एक प्लांट तो लगा दिया है, जिसमें वाटरिंग करेंगे अच्छे से, थोड़ी हेवी वाटरिंग करेंगे क्योंकि कल से लेकर आया हुआ और मैंने इसको ऐसे ड्राई रख दिया, तो जब तक बबल्स पूरे नहीं होते जब तक आप वाटरिंग करो थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ी देर में लालसा सालसा करेगा, अच्छे से रेडी हो गया। इसकी दो कटिंग भी मैंने निकाल ली है, उसको भी मैं अभी कटिंग लगा दूँ। हालाँकि बहुत पतला स्टेम है, तो आई विल ट्राई। और ये आपको पता है बड़े बड़े गार्डन में जो हेज होते हैं ना, उसमें लगता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, वैसे ये तो खुद ही कमज़ोर है, तो इसका जो सारी लीव्स है ना, इनको पिंच कर देना, मतलब जैसे पर्पल हार्ट कैसे ना कलरफुल ग्रीन में कैड हो जाता, ऐसे ही एक अच्छा प्लांट है। कमज़ोर डाली मेरी तरह, मैं इसकी थंबनेल में आपको दिखाऊंगी कि ना मैंने एक बड़े गार्डन में देखा था ये हेज के रूप में होती, हेज यानी एक अलग कलर और एक अलग टाइप से इसको क्रिएट किया जाता है। जैसा आप इसको हार्ट शेप में कर सकते हो, कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हो इसके लिए, बहुत अच्छा लुक आता है इसका। मैंने छोटी सी कटिंग ली, इसको साइड में ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ये मैं इसको नॉर्मल सनलाइट में देख रखूँगी। कहीं लाल सा बोलते हैं इसको, थैंक यू। सनलाइट में ही ऐसा दिखता है, मैं रखूँगी मैं इसको। थैंक यू फॉर जॉइनिंग।